मेरा नाम अबरार अहमद भट्ट है। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट का स्पोक्स पर्सन भी हूँ। सब्र रखिए, मैनिफेस्टो में तो सब्र होना चाहिए। मैनिफेस्टो उनका है जिनको झूठ बोलना है, हमारा तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो वो भी हम आपको दे देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, वो भी हम दे देंगे। हमारी पार्टी में तो तकरीबन 20 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो वो 20 उठेंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जिनको हमने मैंडेट दिया है पार्टी की तरफ से, तो वो ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वैसे हमारी पार्टी से आज तक कोई नहीं निकला, बल्कि हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक सेकुलर पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है। हमारी पार्टी में जो है वो सच्चाई है, हम बेटरमेंट फॉर पीपल चाहते हैं, हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाए, तो हम चाहते हैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल एक माहौल यहाँ पे बना रहे। हमारी पार्टी तो ये चाहती है, तो इसलिए हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। हमारी मैं तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, हम तो बेटरमेंट फॉर पीपल चाहते हैं, तो हम अपनी पार्टी जो हमारी पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, लिबरल पार्टी है, हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जो अभी फोकस है, अभी हम इलेक्शन पर फोकस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब अगर हमारी पार्टी से जीत भी होगी, आगे हम लोगों के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो फिलहाल हमारा फोकस उस पे है। जो बाकी पार्टियों की आप बात कर रहे हो तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, हर किसी बंदे को अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। पहली बात है, पार्टी तो किसी को तनख्वाह नहीं देती है, ना पार्टी को कोई तनख्वाह देता है, तो इसमें आइडियोलॉजी की बात है, किसी को आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है, तो उसकी अपनी मर्जी है, तो उसमें कुछ मैं बोल नहीं सकता। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो आर्टिकल की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी पहले मुझे नहीं लगता है, जो ये एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अब हो चुका है, तो ये वापस आना मुझे नहीं लगता है ये मुमकिन है कि अब वापस, इसके लिए पहले ही आपको 263 MPs चाहिए, फिर उसके बाद वो अपर हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा उस पर लगा है, तो मुझे नहीं लगता है, अब जिन पार्टियों ने इसमें पहले ही किया है तो वो तो खुद जवाब देगी। अब ये लोगों को इस टाइम बेवकूफ बना रहे हैं, आर्टिकल है, आर्टिकल है, तो मुझे नहीं लगता, इससे बेहतर है अगर ये यहाँ के बेरोजगारी के बारे में, जो हमारे बच्चे हैं इस टाइम, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो ये अगर उसके लिए सोचते कि हमारी इकोनॉमी जनरेट कैसे होगी, अगर उस बारे में सोचते, तो मुझे लगता है इससे बेहतर वही था। तो अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं है, तो इसीलिए ये धूम मचा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं आर्टिकल वापस आना चाहिए। स्टेटहुड पॉसिबल है, स्टेटहुड पॉसिबल है, तो स्टेटहुड अगर वापस आ जाएगा वो तो अच्छी बात है, वो तो हम भी चाहते हैं। स्टेटहुड अगर हमें वापस मिलेगा तो उसमें तो हम भी खुश है, मोस्ट वेलकम करते हैं हम, अगर स्टेटहुड वापस हमें मिलेगा वो तो हमारे लिए ग्रेटनेस है। देखिए, हम चाहते हैं, हम अभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चेहरे को वोट देखिए, जो नया चेहरा है, जिनको आपने 70 सालों में मौका दिया है, जो हमारे बंदे भी जो आप कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन, एक चांस अगर वो हमें भी देंगे तो वो बेटर रहेगा। देखिए, हम तो चाहते हैं हम 300 पॉइंट्स फ्री देंगे, लेकिन वो हम उनको देंगे जो डिजर्व करते हैं, वो तो हम भी चाहते हैं, गरीब के लिए तो हम भी चाहते हैं। हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ पे भी हमें लगता है कोई बेचारा गरीब है, उसकी हम हेल्प करते हैं, वो तो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है।